अम्बाला दिल्ली हाईवे पर शाहपुर में स्थित इंडियन बैंक एटीएम को तोड़कर 9,13,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया गया। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद सीआईए और अन्य टीमों की ओर से मौके का मुआयना किया गया। वारदात को अंजाम देने आए बदमाश सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है, लेकिन बीती रात उसको पथरी का दर्द होने के कारण वह गुरुद्वारे के कमरे में सो गया और जब वापस आकर देखा तो एटीएम का शटर टूटा पड़ा था। वारदात के बारे में बताते हुए एसएचओ पड़ाव थाना देवेंद्र सिंह ने बताया कि एटीएम की वारदात देर रात की है और अपराधी गैस कटर से एटीएम को काटकर एटीएम में रखे 9,13,000 रुपए लेकर फरार हो गए। ये लूट नहीं, चोरी हुई है, कटर से काट के और 9,13,600 रुपए जो है ना चोरी करके ले गए। बर्गलरी है ये बेसिकली, और जो है ना उसकी एटीएम क्लिप हमें मिल गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों को ढूंढ कर शिकर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी में क्या है, अभी क्या कुछ नजर आ रहा है? दो आदमी हैं जिन्होंने मुंह ढका हुआ है और जिन्होंने जो है ना इसके वारदात को अंजाम दिया है। किस तरह से निकाले गए पैसे? जो एटीएम का गार्ड था वो अपनी ड्यूटी पे ना जाके वो जाके कहीं सो गया और उसके सोने के कारण उसका नजायज फायदा उठा के इन लोगों ने ऐसा काम किया। क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरह की टीम बनाई गई है? पूरी मुकदमा दर्ज कर लिया है, सभी जो स्पेशल टीम है विजिट कर ली है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म शख्स है उसका जो है ना उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है और जो कानून अनुसार कार्रवाई है वो चलाई जाएगी। गार्ड से पूछताछ की जा रही है? हाँ, गार्ड से भी पूछताछ की जाएगी, क्यों गया वो, ड्यूटी छोड़ के कैसे गया और जो कानूनी कार्रवाई बनती है की जाएगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।